नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का विषय भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है पिछले विषयों की तरह। आज हम बात करेंगे, जैसे पिछले विषय में मैंने बात किया था कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी आपको एक साधना करनी पड़ती है और साधक को साधना करने में तीन तरह की साधनाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहली जो साधना साधक को करनी पड़ती है वो है संकल्प पत्र। दूसरा जिस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है वो है साक्षी भाव, और तीसरी जो साधना से साधक को गुजरना पड़ता है वो है तथा था भाव। इन तीन प्रक्रियाओं से होकर ही साधक साधना करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संकल्प बल के बारे में। पिछले कुछ 50 दशकों में ही ये पता किया गया है विज्ञान के द्वारा कि 50% से भी अधिक बीमारियां जो इंसान को होती है वो मानसिक बीमारियां है, शारीरिक बीमारियां 100% नहीं है। इससे पहले ये माना जाता था कि जो भी बीमारियां इंसान को होती है वो शारीरिक है, लेकिन अब विज्ञान ने काफी प्रोग्रेस कर ली है, विज्ञान ने यह साबित कर लिया है कि 50 से भी अधिक मात्रा की जो बीमारियां इंसान को होती है वो शारीरिक नहीं है, वो मानसिक बीमारियां है जिनका इलाज विज्ञान के पास भी नहीं है। संकल्प बल एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपने मन को रूपांतरित कर सकते हो, और मन का रूपांतरित होना ही संकल्प बल है। इस बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। अगर मन के ऊपर आपका काबू आ जाए, मतलब आपके शरीर में जो भी बीमारियां घट रही है उसमें मन का बहुत बड़ा हाथ है, अगर आप मन को काबू कर ले, मन को संकल्प बल में रूपांतरित कर ले, तो आपके शरीर के सारे हिस्सों को आप संकल्प बल के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आज से कई वर्षों पहले मुंबई मेडिकल कॉलेज में ब्रह्मयोगी करके एक व्यक्ति थे जिनकी तीन खूबियां थी, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था मुंबई मेडिकल कॉलेज में कि कैसे संकल्प बल के माध्यम से वो अपने शरीर के हिस्सों को भी कंट्रोल कर सकते थे। उनमें तीन खासियत थी ब्रह्मयोगी में। सबसे पहली खासियत कि वे अपनी नाड़ी को, पल्स को कई देर तक रोक सकते थे अपने संकल्प बल के माध्यम से। ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ी महत्व की बात जो है कि अगर आप उनके नाड़ी को काट दें तो वहां से खून तब तक नहीं बहता था जब तक कि वो ना चाहे, वो अपने खून को भी बहने से रोक सकते थे। और इससे बड़ी कमाल की बात जो है ब्रह्मयोगी के बारे में, जिनके ऊपर मुंबई मेडिकल कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो ये है कि अगर वो सांप का जहर पी ले या कोई भी विष पी ले तो शरीर में आधे घंटे तक वो विष उनके खून से मिक्स नहीं होता था, आधे घंटे तक का संकल्प बल उनका काम करता था। ये तीन चीजें उन्होंने अपने आप में संकल्प बल के माध्यम से डेवलप की थी। तो आप समझ सकते हो कि संकल्प बल कितना महत्वपूर्ण है जीवन में। जब रंगून में उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उनको विष पिलाया गया, वो उनका जीवन, उनके जीवन का आखिरी एक्सपेरिमेंट था। जब उनको विष पिलाया गया और विष पिलाने के बाद में जब वो कार से अपने घर की तरफ, रंगून यूनिवर्सिटी में ये किस्सा घटा था जहां उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और जहर पीने के बाद जब कार में वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक उनका अकस्मात एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें घर पहुंचते पहुंचते 45 मिनट लग गए। उनके मन को उन्होंने संकल्प बल में सिर्फ 30 मिनट तक के लिए ही प्रैक्टिस कराई थी, ट्रांसफॉर्म किया था कि 30 मिनट तक उनके शरीर में जो खून है और जो जहर है वो मिक्स नहीं हो सकता था। और इसके ऊपर डॉक्टर ने काफी एक्सरे भी निकाले, सारे एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो चुके हैं, 30 मिनट तक खून और विष एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते थे। पर 45 मिनट हो चुकी थी, 15 मिनट ज्यादा हो चुकी थी जहां उनका संकल्प बल काम नहीं कर सका और उनकी
मृत्यु हो गई थी। ये पहला उदाहरण मैंने आपको दिया है कि संकल्प बल से कैसे आप अपने शरीर के हर हिस्से को अपने काबू में ला सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण संकल्प बल के बारे में, रामकृष्ण जी, उन्होंने ये सोचा कि एक ही तरह की साधना, एक ही धर्म में जो साधना लिखी है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं हर एक धर्म के हिसाब से जो साधना लिखी है अलग अलग धर्मों में मैं सारी साधनाएं करके देखूंगा और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि सभी साधना का अंत जो है वो एक ही है। तो उन्होंने कई धर्मों में साधना के जो अलग अलग तरह से करनी चाहिए सारी साधनाएं की, उसमें से एक साधना थी जो कि बंगाल में एक साधना होती है जिसका नाम है सखी साधना। वहां पर एक संप्रदाय होता है सखी संप्रदाय। बंगाल में सखी संप्रदाय में यह करना होता है कि आपको कृष्ण भगवान की पत्नी हो जाना पड़ता है, आप पुरुष हो या महिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर पुरुष भी हो तो आपको यह समझना है कि मैं कृष्ण भगवान की पत्नी राधा हूं, और आपको राधा बन के, आपको राधा बनने का संकल्प करना है और राधा बन के आपको वो भाव लाना है और साधना को करना है। रामकृष्ण जी ने ये संकल्प लिया कि मैं राधा हूं, राधा समझने लगे और राधा बनके 6 महीने तक कृष्ण भगवान की ये साधना की। बड़े हैरान करने वाली बात है, इतिहास में ये घटना दर्ज है कि 6 महीने के भीतर भीतर साधना करने के दरमियान उनकी आवाज स्त्री जैसी होनी शुरू हो गई, उनका शरीर स्त्री जैसा होना शुरू हो गया, उनकी चाल ढाल हाव भाव सब कुछ स्त्री जैसा होना शुरू हो गया। और ये कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी हैरान करने की ये बात है कि ये संकल्प मात्र कर लेने से कि मैं राधा हूं, उनका मासिक धर्म भी शुरू हो गया। विज्ञान हैरान है बातों पे कि ऐसा कैसा संभव है। इस तपस्या को, इस साधना को छोड़ने के करीब 1.5 वर्ष के बाद में वो फिर से अपने असलियत में आने लगे, उनका शरीर फिर से पुरुष का शरीर होने लगा और मासिक धर्म हो गया। एक वास्तविक घटना है जो दूसरी घटना मैंने आपको बताई। तो संकल्प बल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बल है। संकल्प के माध्यम से आप अपने जीवन में एक ऐसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संकल्प बल के हिसाब से ही काफी लोग जैसे 2 दिन के लिए उपवास करते हैं, 3 दिन के लिए उपवास करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि उपवास करने में कोई लाभ नहीं है, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उपवास 2 दिन का हो या 3 दिन का हो या 8 दिन का हो या 30 दिन का हो, जैनों में तो 180 उपवास भी किए गए हैं। उपवास करने में भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज होती है, महत्वपूर्ण घटना होती है, वो होती है संकल्प बल। आपको कुछ और मिले ना मिले, लेकिन संकल्प बल, आपका मन आपको बार बार करता है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, लेकिन संकल्प बल आपके मन को तोड़ता जाता है और आखिर में आपने जो उपवास की धारणा की है, 8 उपवास या 15 उपवास या 30 उपवास आप वो करने में सफल हो जाते हैं। और वो शक्ति 30 दिन तक भूखे रहने की भी या 8 दिन तक भूखे रहने की भी संकल्प बल के माध्यम से ही मिलती है। तो आप संकल्प बल की महत्वता को समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संकल्प बल की शक्ति जब आपको मिल जाती है तो उसके बाद में जो आखिरी घटना घटती है संकल्प बल से, वो ये कि आप अपने आत्मा और सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से अलग कर लेते हैं। ये संकल्प बल से मिलने वाली घटना बहुत ही बड़ी घटना है जहां की आपको संकल्प बल की बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। और इसके बाद आपको किसी गुरु से कोई सीखने की जरूरत ना रह जाती है और नहीं किसी धार्मिक ग्रंथ से, किसी भी ग्रंथ से कुछ भी सीखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि जब आपके जीवन में ये घटना घट जाती है संकल्प बल के माध्यम से कि आप अपने शरीर को और अपनी आत्मा और सूक्ष्म शरीर को अलग करके अपने ही शरीर को देख सको, तो ये सबसे बड़ी घटना है। तो ये तो हो गई बात संकल्प शक्ति की। इसी संकल्प शक्ति का मतलब मन का रूपांतरण होना ही संकल्प शक्ति है। यह संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं। मन जैसे जैसे खत्म होता है वही संकल्प शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। ये पहला स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज जो है वो है साक्षी भाव। जब संकल्प शक्ति से आप अपने शरीर को और आत्मा
और सूक्ष्म शरीर, मतलब आत्मा और सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर को वास्तविक शरीर से अलग कर लेते हो, तब आप अपने ही शरीर को एक साक्षी भाव से देख पाते हो। ये पहली बार ऐसी घटना होती है जहां पे साक्षी भाव का जन्म होता है। साक्षी भाव यानी कि आप अपने आप को ही सारे काम करते हो एक साक्षी की तरह से देख सकते हो, एक विटनेस की तरह से, एक विटनेस बन के आप अपने शरीर को देखते हो। उदाहरण के तौर पे आप खाना खा रहे हो तो खाना आपका शरीर खा रहा है, आपकी आत्मा खाना नहीं खा रही है। आप अपने ही आत्मा को, अपने ही सूक्ष्म शरीर को, अपने स्थूल शरीर को खाना खाते हुए देख सकते हो। आपके शरीर के साथ जो भी कुछ घट रहा है उससे आपकी आत्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। ये दोनों चीज को आपने सेपरेट कर लिया, ये हो गया साक्षी भाव। उदाहरण के तौर पे एक बहुत ही छोटी सी घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे एक बार एक गांव में कुछ औरतों को ये समाचार मिला कि पास वाले किसी गांव में कोई साधु संत आए हुए हैं और उन्हें भूखे हैं, और उनके उस गांव में जाने के लिए बीच में बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है, उस नदी को पार करके वहां जाना है, लेकिन नदी उफान पे थी। तो ये स्त्रियां बेचारी चिंतित थी कि गुरु महाराज, भगवान, साधु वहां बैठे हुए और वो खाना कैसे खाएंगे। तो पांच छह स्त्री मिलके एक भोजन तैयार करती है और भोजन तैयार के नदी के किनारे पे जाती है, पर नदी उफान पे थी, नदी को पार करके उस पार कैसे जाया जा सके। वहां पे एक नाविक था जो किनारे पे अपनी नाव को बांध रहा था। उन स्त्रियों ने उनसे विनती की पर नाविक ने मना कर दिया, उसने कहा मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तभी कृष्ण भगवान वहां से गुजरते हैं और वो पूछते हैं क्या हो गया। तो स्त्रियां कहते हैं कि नदी के उस पार गांव में कुछ साधु भगवान आए हुए हैं और उनके लिए हमने खाना बनाया और वो भूखे हैं, मैं उन्हें खाना ले खिलाना है, तो ये नदी कैसे पार करे, उन्हें कृष्ण भगवान से पूछा। तो कृष्ण भगवान ने कहा बड़ा ही आसान है, आप नदी के पास जाए और उसे हाथ जोड़े और उनसे विनती करे नदी से कि अगर साधु महाराज वर्षों से भूखे है तो नदी आप मुझे जाने के लिए जगा दे। साधु भगवान भूखे थे ही, कोई बड़ी बात नहीं थी। स्त्रियों ने कहा कि ऐसा करने से हमें जगह मिल जाएगी जाने के लिए। कृष्ण ने कहा कि हाँ मिल जाएगी, करके तो देखो, और तो कोई उपाय भी नहीं है। स्त्री उस नदी के किनारे जाके पांचों स्त्रियां हाथ जोड़ के विनती की कि अगर वो साधु भगवान वर्षों से भूखे है तो कृपया हमें जाने के लिए मार्ग दे। नदी ने उनकी ये विनती स्वीकार की, जाने के लिए जगह दे दी। वे सारी स्त्रियां वहां से भोजन लेके उस गांव में गई और उन्होंने उन महान आत्माओं को, उन साधु संतों को भोजन कराया। साधु संतों ने पूरा भोजन एक ही बार में खत्म कर लिया, यहां तक कि मनुहार करने की अभी का भी मौका नहीं दिया। स्त्रियों ने कहा चलो अच्छी बात है, साधु भगवंत का पेट भर गया, साधुओं का पेट भर गया, मैं बहुत ही अच्छा लाभ मिला। उन्होंने अपना सारा पोरिया बिस्तर फिर से बांधा, जो टिफिन लेके गए फिर से बांधा, पैक किया और फिर से जाने लगी। तो फिर नदी के किनारे आए तो वो बहुत टेंशन में आ गई कि आते वक्त तो कृष्ण ने हमसे कहा था कि साधु भगवंत अगर वर्षों से भूखे है तो नदी को ऐसी प्रार्थना करो तो नदी आपको जगह दे देगी, लेकिन अब तो साधु संतों ने खाना खा लिया, तो अब तो वो सेम बात अगर हम नदी से कहेंगे तो नदी तो जगह भी नहीं देगी क्योंकि साधु संतों ने तो खाना खा लिया। तो बड़ी परेशानी पड़ गई, अब करे तो करे क्या। साधु संतों ने उनको देखा, उन्होंने पूछा कि क्या बात है बेटी, आप क्यों इतने चिंतित हो। तो उन्होंने कहा कि जब आए तो कृष्ण ने हमसे ऐसा कहा था, पर वापस आने का हमने उनसे पूछा नहीं कि क्या कहे तो नदी पे जगह देगी, क्योंकि आपने तो खाना खा लिया है, आप तो भूखे भी नहीं है। तो साधु संतों ने कहा बेटा कोई टेंशन की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, जो कृष्ण ने तुमसे कहा था वो बहुत सही कहा था, तुम फिर से नदी से यही कहो कि साधु संत अगर बरसों से भूखे है तो कृपया हमें जाने के लिए मार्ग दे। आप बड़े हैरान होंगे, उन स्त्रियों ने नदी के किनारे जाकर नदी से वही विनती फिर एक बार की कि साधु भगवंत अगर वर्षों से भूखे है तो हमें कृपया जाने का मार्ग दे, और नदी ने जाने का मार्ग दिया। वो स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा चमत्कार था, उनको कृष्ण ने जो कहा था आज जाते वक्त वो चमत्कार नहीं लगा, लेकिन साधु भगवंत ने जब कहा तो ये बहुत ही चमत्कार लगा, क्योंकि साधु भगवंत इस वक्त भूखे नहीं थे और नदी ने वो रास्ता दिया कैसे, ये चमत्कार बहुत बड़ा था। तो फिर से इस किनारे पे आए तो कृष्ण को पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, जब गए थे तो भूखे थे, अब तो भूखे भी नहीं थे तो नदी ने हमें जाने के लिए रास्ता कैसे दिया। तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कोई भी साधु, कोई भी भगवंत, कोई भी साधक जो है वो जब तपस्या करता है तो वो अपने शरीर को अलग करता है और अपने
आत्मा को और सूक्ष्म शरीर को अलग करता है। साधु जब भोजन करता है तब भी वो साधु भोजन नहीं करता, वो अपने आप को ही भोजन करता हुआ देखता है साक्षी भाव के माध्यम से। वो जो भी खाता है उसे ये नहीं लगता कि मैं खा रहा हूं, उसे लगता है कि मेरा शरीर खा रहा हूं, खुद अपने आप को अपने शरीर को खाता हुआ देख सकता है। ये हो गया साक्षी भाव। दूसरा स्टेज साक्षी भाव। अब हम जो बात करें, अच्छा साक्षी भाव के लिए भी आपको पहला संकल्प शक्ति था, और संकल्प शक्ति की जो दूसरा महान संकल्प जो पैदा होता है उसी से साक्षी भाव पैदा होता है। और इससे भी महान संकल्प जब आप करते हो तो सर्वोच्च शक्ति जो पैदा होती है वो कहलाती है तथाता। तथाता जो साधक की आखिरी आखिरी चरण है, यहाँ पे आके इसे जब वो प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। तथाता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तथाता भाव यानी कि इसमें आपका सूक्ष्म शरीर और आपकी आत्मा अलग नहीं है, दोनों एक ही हो गए और आपने सब स्वीकार कर लिया है। अगर दिन है तो भी स्वीकार कर लिया है, रात है तो भी स्वीकार कर लिया है, किसी ने आपके साथ अच्छा किया तो भी स्वीकार कर लिया है, किसी ने बुरा किया तो भी स्वीकार कर लिया है, खाना मिला तो भी स्वीकार, ना मिला तो भी स्वीकार। यानी कि आप स्वयं हर परिस्थिति के मालिक होते हो, जहां आप मालिक बन जाते हो, जहां आपके ऊपर कोई दूसरा राज कर ही नहीं सकता है, आप सारी सिचुएशन के खुद मालिक हो जाते हो, आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, इसे कहते हैं तथाता। इसको थोड़ा एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। डायोजनीस करके एक संत हुआ करता था। डायोजनीस जब वो जंगल से गुजर रहा था, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व था उनका, और वो जब भी बड़े संत थे वो नंगे ही घूमते थे। उनका शरीर बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी थी, बहुत ही सुडौल शरीर था उनका। जब जंगल से वो गुजर रहे थे तो 5 चोरों की नजर, उस जमाने में इंसान को गुलाम बनाने का काम बहुत ही जोरों शोरों पे था, 5ों जो डाकू थे उनकी नजर उस डायोजनीस पे पड़ी। उन्होंने कहा कि इतना खूबसूरत व्यक्ति, इसे तो उठा ले और इसे तो गुलाम बना के भेज देते, बहुत ही पैसा मिलेगा। लेकिन 5ों इस बात से घबरा गए कि अगर डायोजनीस को पकड़ने गए तो ये तो बहुत ही हट्टा कट्टा मस्कुलर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, ये हम 5ों को मार देगा, तो अब करे तो करे क्या। लेकिन फिर भी उन 5ों ने सोचा कि चलो एक बार ट्राई तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, शायद ऐसा भी हो कि हम 5ों मिलकर उसको पकड़ भी ले। हिम्मत करते हैं और वो डायोजनीस को 5ों जन घेर लेते हैं। डायोजनीस बीच में खड़ा है। डायोजनीस ने जब उन 5ों गुंडों को देखा, डाकुओं को देखा, तो उसने कहा भाई बात क्या है, आपने मुझे क्यों घेर रखा है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पकड़ के ले जाना चाहते हैं। तो डायोजनीस ने बड़े स्वाभाविक भाव से कहा कि आप पकड़ने के लिए कुछ ले आए हो, मुझे पकड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये साकर जो है ले आए, आपके हाथ में ये जंजीर, यानी कि जंजीर बांध लेंगे और बांध के आपको लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो फिर देर किस बात की है भाई, लाओ जंजीर और बांधो मेरे हाथ में। वो 5ों बड़े हैरान, इतना हट्टा कट्टा इंसान ना भी नहीं बोल रहा है और सामने से तैयार हो गया गुलाम बनने के लिए, बंदी बनने के लिए। उन्होंने वो जंजीर लाई और वो बांध भी नहीं पा रहे थे ठीक से। तो डायोजनीस से कहा भाई तुम नहीं बांध पा रहे हो, तुम तो घबरा रहे हो, एक काम करो मैं ही बांध देता हूं अपने हाथों में ये जंजीर। डायोजनीस ने वो जंजीर अपने हाथों से अपने आप में बांध दी। 5ों डाकू बड़े हैरान, ये क्या हो रहा है, ऐसा जीवन में कभी घटा नहीं था। फिर उसने पूछा कि आप मुझे बांध के कहां लेके जाओगे। तो 5ों ने कहा कि हम आपको पास के गांव में लेके जाएंगे, जहां पे गुलामों की बोली लगती है वहां पे हम आपको भेज देंगे। लेकिन हम इस बात को लेके बड़े हैरान है कि आपने स्वेच्छा से अपने आप को जंजीरों में बांध लिया। आयुष जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बांध लिया, मेरी मर्जी, मैंने बांध लिया, अब कहां चलना है बोलो। तो उन्होंने कहा आप हमारे पीछे पीछे चलो। पर जब चलने की बात हुई तो डायोजनीस उनसे आगे चल रहा था, वो 5ों उनके पीछे चल रहे थे। और 5ों हैरान कि इनको डायोजनीस को क्यों इतनी घाई है गुलाम बनने की और अपने आप को भिगवाने की। 5ों बड़े हैरान, डायोजनीस आगे चल रहा है और थोड़ी देर बाद उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां गुलामों की बोली लगती है। जब बोली लगाने की बात आई तब वो 5ों में से एक व्यक्ति ऊपर गया, वहां जाके बोलने लगा कि एक नया गुलाम मार्केट में बिकने आया है, किसे खरीदना है बताओ। लेकिन क्योंकि सिचुएशन
से वो डरा हुआ था, जो घट रहा था उसके लिए बहुत ही सहज नहीं था, तो इतने खुल के बोल भी नहीं रहा था, बोले भी ढंग से नहीं लगा पा रहा था। तो डायोजनीस ने उसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम क्या गुलाम बेचोगे, तुम्हें तो गुलाम बेचना भी नहीं आता है, एक काम करो तुम नीचे उतर जाओ, मैं ही ऊपर आता हूं, मैं ही अपने आप को बेच देता हूं। तो डायोजनीस उस वक्त ऊपर चढ़ा और बोला कि आज बाजार में एक गुलाम नहीं बल्कि एक मालिक बिकने आया है, जिसकी खरीदने की ताकत हो वो खरीद लो। लोग बड़े हैरान, गुलाम बिकने आते हैं, मालिक कैसे बिकता है? तो लोगों ने उससे पूछा, भाई तुम मालिक कैसे? तो उसने कहा, आप पूछो इन पांचों गुंडों को, इन डाकुओं को, इन्होंने मुझे जंजीर बांधी कि मैंने बांधी? तो उन्होंने, पांचों डाकुओं ने कहा कि नहीं, इसने खुद ने बांधी। फिर इनसे पूछो कि आगे कौन चल रहा था? पांचों डाकुओं ने कहा कि नहीं, हम तो पीछे चल रहे थे, डायोजनीस आगे चल रहा था। फिर उसने कहा कि इनसे पूछो कि स्टेज पे कौन आया? मैं आया अपने आप को बेचने के लिए कि ये बेच रहे थे? तो कि नहीं, आप स्वयं अपने आप को बेचने के लिए आए। तो जब सारी चीजें मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूं, सारी चीजें जो मेरे साथ घट रही है वो मेरी मर्जी से घट रही है, उस सिचुएशन को मैंने अपनी मर्जी बना दी, तो मैं गुलाम कैसे हुआ? तो मैं एक मालिक ही हुआ ना। तो आप अगर मुझे गुलाम बना भी लेंगे तो मैं गुलाम नहीं रहूंगा, मैं मेरे मर्जी से गुलाम बनूंगा और मर्जी से गुलाम बन के रहूंगा। तो इसे कहते हैं तथा था, जहां आपने अपनी मर्जी से सब कुछ स्वीकार कर दिया है, सब कुछ आपने एक्सेप्ट कर लिया है। पूरा एक्सेप्ट करना ही जीवन की हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसका मालिक हो जाना कि ये जो कुछ भी घट रहा है वो मेरी ही मर्जी से घट रहा है, उसे तथाता का भाव कहते हैं। और जब ये भाव साधनक साधक को साधना करते हुए तीसरे स्टेज पे जब ये आ जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो पूर्णतया मर जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर पूर्णतया मर जाता है तो आत्मा को मरने के बाद दूसरे स्थूल शरीर की जरूरत नहीं रहती है और वो व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये मेरा विषय बहुत ही पसंद आया है। काफी लोग कहते हैं कि आपका वीडियो बहुत लंबा होता है, लेकिन अब बातें ही कुछ ऐसी होती है कि समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से भी आपको सारी बातें समझाऊं। तो हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप अंत तक देखेंगे तो ही आप मेरी बातों को पूर्णतया समझ सकेंगे, और समझ सकेंगे तो आप जरूर कभी ना कभी करने की कोशिश करेंगे। अगली बार भी कुछ ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मैं फिर एक बार आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।